अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ इसका चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई डिवीजन मैथड। तो पार्ट 1 है 729, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 729, 729 पेयर बनाना है लेफ्ट से। ये एक पेयर हो गया लेफ्ट से, ये दूसरा पेयर हो गया लेफ्ट से, यानी इधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से इधर से स्टार्ट करना है। एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये उसका स्केयर क्या हो, 7 से छोटा हो। जैसे कि देखें, 2 × 2 इक्वल टू 4 आएगा ना, 3 × 3 इक्वल टू 9 आएगा। तो ये जो 9 है वो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 × 2 4 है, ये 4 छोटा है, या इसके बराबर हो या छोटा हो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 2 × 2 = 4। तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 3। तो 29 को नीचे उतार लिया, इकट्ठा ही उतारना है। ये जो एक पेयर है इसको इकट्ठा ही उतारना है 29 को नीचे। अब 2 और 2 4 हो गया, इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लिया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये बन जाए 329। 4 के साथ 3 लिखते हैं, 3 × 3 = 9। ये देखें, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 129 है। ये इसके इक्वल नहीं है। अब 47 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 7 इधर 7 लगाना है ना, तो इधर भी 7 लगाना है। 7 × 7 = 49, 49 × 9 लिखेंगे, 4 कैरी, 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32। तो ये कंप्लीट हो गया 329। तो फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 329। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 729 का बाय डिवीजन मेथड। इसको लिखेंगे इस तरह से, 10 स्क्वायर रूट 729 इक्वल टू 27। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2, 2304, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो लेफ्ट साइड से दो दो नंबर कौन से, 0 4 एक हो गया, ये दूसरा पेयर बन गया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका स्क्वायर जो है 23 से छोटा या बराबर हो। अब देखें, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 4 × 4 16, ये क्या है, 23 से छोटा है, और 5 × 5 25, ये 23 से बड़ा है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 16, सब्ट्रैक्ट किया
23 माइनस 16 तो ये आ गया 7। 0 4 को नीचे उतार लेंगे, 4 और 4 8 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेना है। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये बन जाए। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखें 88 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64 64 का 4 6 कैरी, 8 8 64 64 प्लस 6 है तो ये आ गया 70, तो ये आ गया 704, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया 10, स्केयर रूट 2304 इक्वल टू 48। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी नाइन, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। लेफ्ट साइड से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बन गया ये 89 का पेयर और 44 का पेयर बन गया। अब 6 6 36, 7 7 49, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 44 माइनस 36 तो ये आ गया 8, और 8 9 को भी नीचे उतार लेंगे, 6 और 6 12। अब इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है कि ये 9 बने, कौन सा नंबर होगा, 3 3 9 भी होता है ना, 123 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये 369 है, तो लेकिन ये नहीं बना 889, तो अब कौन सा नंबर होगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 7 7 49, उसका भी एंड पे 9 आता है, तो 127 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14, 14 और 4 18, 18 का 8 1 कैरी, 7 1 7, 7 और 1 8, तो ये आ गया 889, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 889, तो स्क्वायर रूट आ गया फिर इसका, स्क्वायर रूट 4489 इक्वल टू 67, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 56 और दूसरा पेयर 70। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो या तो 70 आए या 70 से लेस आए, तो क्या होगा, 8 8 64, 9 9 81, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6, 56 को नीचे उतार लेंगे, 8 और 8 16, इसके बाद 16 के साथ कौन सा नंबर लगाएं कि ये 6 बने, 6 6 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 6 36, 36 प्लस 3 तो ये 39, 3 कैरी, 6 1 6 6 और 3 9, तो ये तो बड़ा हो गया है, इससे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 के साथ 4 लिखते हैं, 4 4 16,
वन कैरी, 4 6 24 24 और 1 25 25 का 5, 2 कैरी, 4 1 4 4 और 2 6, तो ये आएगा 656 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अभी, तो ये सब सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ गया, तो ये फिर इसका स्केयर रूट आ गया 10, स्केयर रूट 7056 इक्वल टू 84। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, 9801, इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे। 9801, 01 का एक पेयर बन गया और 98 का एक पेयर बन गया, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, एट माइनस 1 7, 9 माइनस 8 1, 01 को नीचे उतार लिया है, 9 और 9 18, अब लास्ट पे 1 आ रहा है, 18 के साथ कौन सा नंबर लिखें, तो लिखेंगे 9 और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर इसके साथ लिखना है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 9 है तो 9, 8 है तो 8, 7 है तो 7, ऐसे 9 9 81, 81 का 1 और 8 कैरी, 9 8 72 72 और 8 80, 80 का 0 और 8 कैरी, 9 1 9 9 और 8 17, तो ये आ गया 17 1। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे फिर 9 आएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 10, 9801 इक्वल टू 99। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, 14400, लेफ्ट साइड से ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया और ये वन जो है एक पेयर बन गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, क्योंकि वो 1 से बड़ा हो जाता है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, इसलिए 4 4 को नीचे उतार लेंगे, 44 नीचे आ गया, 1 और 1 2। अब 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये 44 बने, 2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ अगर 2 लगाया ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4, इसके साथ भी 2 44, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया। अब ये 2 और 2 को ऐड भी कर लेना है, तो ये आएगा 24, इन दोनों 0 को नीचे उतार लेंगे, अब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ये 0 0 आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, 15625, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो एक पेयर बनाएंगे 25 और दूसरा 56 और 1,
वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़र वन, तो वन में से वन सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो आएगा, इसलिए 56 को नीचे उतार लिया। वन और वन टू, अब इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टू के साथ टू, टू टू ज़र फोर, टू टू ज़र फोर, अगर टू के साथ थ्री मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री थ्री ज़र नाइन, थ्री टू ज़र सिक्स, तो ये 69 हो जाएगा। 69 चूँकि 56 से बड़ा है, इसलिए टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 44। सिक्स माइनस फोर टू, फाइव माइनस फोर वन, 25 को नीचे उतार लेंगे, टू और टू ये फोर हो जाएगा, तो ये 22 है ना, तो ये 20, ये टू वैसे ही लिख लेना है, टू टू फोर। अब इसके साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये फाइव एंड पे आए, तो हम देख लेते हैं 245, फाइव फाइव ज़ार 25 होता है ना, उसके एंड पे फाइव आते हैं, तो फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव फाइव ज़ार 25, 25 का फाइव टू कैरी, फाइव फोर ज़ार 20, 20 और टू 22, 22 का टू टू कैरी, फाइव टू ज़ार 10, 10 और टू 12, तो इसको फिर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1225, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया फिर 10। फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट इक्वल है 125। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, 18,496। नाइन्टी सिक्स एक पेयर, 84 एक पेयर, वन एक पेयर बन गए। वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़र वन, वन माइनस वन ज़ीरो, 84 को नीचे उतार लेंगे, वन और वन टू। अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 को थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री थ्री ज़र नाइन, थ्री टू ज़र सिक्स, तो ये 69 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर माइनस नाइन तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए कैरी लेंगे, फोर्टीन, फोर्टीन माइनस नाइन फाइव, तो बच गया सेवन, सेवन माइनस सिक्स वन, तो 96 एक पेयर जो है इकट्ठा नीचे उतार लेंगे। ये टू वैसे ही आ गया, थ्री थ्री सिक्स ऐड कर लिया। अब 26 के साथ कौन सा नंबर लिखें कि ये सिक्स बन जाए, तो फोर फोर ज़ार 16 भी बनता है, फोर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फोर फोर ज़ार 16, वन कैरी, फोर सिक्स ज़ार 24, 24 और वन 25, 25 का वन टू कैरी, फोर टू ज़ार 8, 8 और टू 10, तो ये आता है 1056 है, लेकिन ये तो है 1596। इसके बाद सिक्स कब आता है, सिक्स सिक्स द 36, यानी 36 के अंडर पे सिक्स आता है, तो हम इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 26 के साथ सिक्स लिखते हैं, सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स सिक्स द 36, थ्री कैरी, सिक्स सिक्स द 36, 36 प्लस थ्री नाइन, थ्री कैरी, सिक्स टू ज़ार 12 प्लस थ्री कितना आ गया 15, सिक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1596। दस स्क्वायर रूट 18,496 इक्वल टू 136, तो ये पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 207936 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
207936, 36 का एक पेयर, 79 का एक पेयर, 20 का एक पेयर बन गया। तो 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। 16 चूँकि 20 से छोटा है और 5 5 25, 25 20 से बड़ा है, तो हम 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 माइनस 16 तो ये आ गया 4। 79 जो पेयर है इसको नीचे उतार लेंगे, 4 4 ऐड किया तो ये आ गया 8। अब 8 के साथ लिखते हैं एम बी 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 आर 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 8 आर 48, 48 और 3 51, तो ये आएगा 516 जो कि 479 से बड़ा है, इसलिए 86 को सॉरी 8 के साथ 5 लिखते हैं। 85 हो गया, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 आर 25, 2 कैरी, 5 8 आर 40, 40 और 2 42, तो ये फिर 479 से छोटा है 425, तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 2 5, तो 4 माइनस 4 0 ही आएगा। 85 में 5 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 90, ठीक हो गया। अब 36 जो पेयर है नीचे उतार ले गया, इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये इसके एंड पे 6 आए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 दा 36, तो 36 के एंड पे 6 है तो इसके साथ 6 लिखेंगे, इसके साथ भी 6 है। 906 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 दा 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 0 0 तो 0 प्लस 3 3 आएगा। 6 9 54, तो ये आ गया 5436, 0 बच गया 10। स्क्वायर रूट 207936 इक्वल टू 456 है, तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10, 3 2 1 4 8 9, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 3 2 1 4 8 9, लेफ्ट साइड से पेयर बनाने शुरू करते हैं। 8 9 का पेयर, 1 4 का पेयर, 3 2 का पेयर। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 36 चूँकि 32 से बड़ा हो जाता है। 5 5 ज़ार 25, 32 माइनस 25 तो ये आ गया 7। 14 जो पेयर है इसको नीचे उतार लेंगे, 5 और 5 10, 10 के साथ कौन सा नंबर लिखें, 10 के साथ 6 लिखते हैं, 10 के साथ 6 लिखते हैं। 6 6 ज़ार 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 0 0 0 प्लस 3 3, 6 1 6, सेवन हंड्रेड 14 माइनस 636, तो 4 में 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे। 14 माइनस 6 8 आएगा, इधर बच गया 0, इधर से 1 लिया तो बन गया 10, 10 में से 3 7, इधर बच गया 6, 6 में से 6 0। अब 8 9 को नीचे उतार लेंगे, 106 में ऐड कर लेंगे 6, तो ये बन जाएगा 112। अब 112 के साथ कौन सा नंबर लिखें, ये इसके एंड पे 9 आए, 3 से 3 3 ज़ार 9,
वन वन टू थ्री, थ्री के साथ मल्टीप्लाई, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री वन ज़ार थ्री, लेकिन ये तो बन रहा है 3369, लेकिन इसके साथ क्या है, ये है 7889। तो हम फिर इसके साथ नंबर लिखते हैं, सेवन 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 ज़ार फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन के भी एंड पे नाइन है था, सेवन सेवन ज़ार फोर्टी नाइन, नाइन फोर, सेवन टू ज़ार फोर्टीन, फोर्टीन और फोर एटीन, एटीन का एट वन कैरी, सेवन वन ज़ार सेवन, सेवन और वन एट, सेवन वन ज़ार सेवन, तो इसके साथ सेवन लिखेंगे, सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी नाइन। तो इसका स्केयर रूट आ गया फिर दस, स्केयर रूट थ्री टू वन फोर एट नाइन इक्वल टू फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन। तो ये पार्ट टेन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर इलेवन, फाइव फोर नाइन नाइन ज़ीरो टू फाइव, फाइव फोर नाइन नाइन ज़ीरो टू फाइव, टू फाइव का एक पेयर, नाइन ज़ीरो का एक पेयर, फोर्टी नाइन का एक पेयर, फाइव का एक पेयर, टू टू ज़ार फोर, थ्री थ्री ज़ार नाइन, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ार फोर, सब्ट्रैक्ट किया तो वन आ गया, फाइव माइनस फोर वन, फोर्टी नाइन नीचे उतार लिए, टू टू फोर। आप फोर के साथ कौन सा नंबर लिखें, थ्री लिख लेते हैं, फिर थ्री थ्री ज़ार नाइन, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाइन माइनस नाइन ज़ीरो, फोर माइनस टू टू, वन माइनस वन ज़ीरो। अब फोर्टी थ्री प्लस थ्री तो ये आ गया फोर्टी सिक्स है। अब नाइन्टी को भी नीचे उतार लेंगे। अब इसके साथ कौन सा नंबर लिखें, फोर्टी सिक्स के साथ फोर लिखते हैं, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, वन कैरी, फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का फाइव टू कैरी, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, सिक्सटीन और टू एटीन। अगर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा 2090 से, ये फोर से मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, तो ये दस बन जाएगा, दस में से छः चार आ जाएंगे, आठ बच गया, आठ में से पाँच तीन। इसी तरह से ज़ीरो में से एट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लिया वन, ये दस बन गया, दस में से आठ दो, जब आ गया वन, वन में से वन ज़ीरो, तो 464 प्लस 4 तो ये आ गया 468। 25 को भी नीचे उतार लेंगे। अब इसके एंड पे 5, तो 5 5 ज़ार 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4685 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, फाइव एट ज़ार फोर्टी, फोर्टी और टू फोर्टी टू, फोर्टी टू का टू फोर कैरी, फाइव सिक्स ज़ार थर्टी, थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर, थर्टी फोर का फोर थ्री कैरी, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, ट्वेंटी और थ्री ट्वेंटी थ्री। तो ये आ गया 23425, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया ज़ीरो। तो ये इसका स्केयर रूट आ गया फिर दस, स्केयर रूट फाइव फोर नाइन नाइन ज़ीरो टू फाइव इक्वल टू टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव। तो ये पार्ट इलेवन कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट करेंगे, फोर
9 8 6 2 8 9 4 9 8 6 2 8 9 8 9 का एक पेयर, 6 2 का एक पेयर, 9 8 का एक पेयर, 4 का एक पेयर मान के 2 2 4 4 माइनस 4 0 9 8 का नीचे उतार लिए 2 2 4 4 के साथ 2 लिखते हैं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84 8 माइनस 4 4 9 माइनस 8 1 6 2 को नीचे उतार लिए 42 प्लस 2 तो ये आएगा 44 अब 44 के साथ कौन सा नंबर लिखें 3 लिख लेते हैं 3 3 9 3 4 12 2 1 कैरी 3 4 12 1 कैरी जो था 13 बन गए 1329 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए किधर से लेंगे 12 बन जाएगा 12 में से 9 3 इधर बच गया 5 5 में से 2 3 4 में से 3 1 1 में से 1 0 8 9 को नीचे उतार लेंगे 443 में 3 ऐड किया तो ये आएगा 446 है इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 3 9 3 3 9 3 6 18 18 का 8 1 कैरी 3 4 12 और 1 13 13 का 3 1 कैरी 3 4 12 और 1 13 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 0 10 के रूट 4 9 8 6 2 8 9 इक्वल आ गया 2 2 3 3 तो ये कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड तो पार्ट 1 है 36/49 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 36/49 36/49 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना 36/49 स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट को हम अलग-अलग भी कर सकते हैं 36 स्क्वायर रूट ओवर 49 स्क्वायर रूट तो 36 का स्क्वायर रूट अलग मालूम कर लेते हैं तो 36 का क्या आएगा 6 6 36 तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया 49 का स्क्वायर रूट 7 7 49 तो इसको हम लिख सकते हैं 6/7 तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया पार्ट 2 225/484 स्क्वायर रूट 225 स्क्वायर रूट ओवर 484 स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 225 का स्क्वायर रूट तो 25 का एक पेयर बन गया 2 का एक पेयर बन गया 1 से मल्टीप्लाई करते 1 1 1 1 आ गया सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे माइनस लिख
5 नीचे आ गए, 1 और 1 2, तो 2 के साथ 5 लिखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे होगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आएगा, तो 225 का स्क्वायर रूट आ गया 15। इसी तरह से 484 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 84 का एक पेयर बन गया, 4 का एक पेयर बन गया। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, 84 को नीचे उतार लिया, 2 2 4। अब 4 के साथ 2 लिखते हैं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 84, सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया, तो ये 484 का स्क्वायर रूट आ गया 22। तो यहाँ पे हम 15/22 लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, 81/196 है, 81/196 स्केयर रूट लादा लादा कर देंगे, 81 स्केयर रूट 196 स्केयर रूट, 81 का स्केयर रूट, 81 का पेयर बन गया, तो ये 9 9 81 आ गया, 81 का स्केयर रूट 9 आ गया, 196, 9 6 का एक पेयर बन गया, 1 का एक पेयर बन गया, 1 1 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, 96 को नीचे उतार लिया, 1 और 1 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 4 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 2 8, 8 और 1 9, तो 81 का स्केयर रूट आ गया 9, 196 का स्केयर रूट आ गया 14। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, 729/1024, 729/1024 स्केयर रूट ज़्यादा कर दिया, 729/1024, 729 का स्केयर रूट, 29 का पेयर बन गया, 1 7 का पेयर बन गया, तो 2 2 4, 3 3 9, तो 9 7 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 2 2 4 ही करेंगे, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 आ गया, 2 9 को नीचे उतार लिया, 2 2 4, तो इसको 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, लेकिन ये छोटा होगा, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 कैरी, 4 7 28, 28 और 4 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, तो 27 इसका स्क्वायर रूट आ गया, 1024, 24 का एक पेयर और 10 का एक पेयर, तो 3 3 9, 4 4 16, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, 10 में से 9 1, 24 को नीचे उतार लिया, 3 3 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, 6 2 12, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, 729 का स्क्वायर रूट आ गया 27 और 1024 का आ गया 32। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, 2 होल 14/25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50, 50 में 14 ऐड किया तो ये आ गया 64, 64/25। अब 64/25 की स्केयर रूट फाइंड करना है,
64 का स्क्वायर रूट लैदा कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट लैदा कर लेते हैं। 64, 8 8 जार 64, 25, 5 5 जार 25, तो ये आ गया 8/5। तो पार्ट 5 का स्क्वायर रूट आ गया 8/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इधर 8 को 5 पे, 5 1 जार 5, 3 आ गया। तो इसको लिखेंगे 1 होल 3/5। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, 1296/2025, स्क्वायर रूट 1296/2025, स्क्वायर रूट लैदा लैदा कर देंगे 1296/2025, 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 96 का एक पैर बन गया और 12 का एक पैर बन गया। 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, 12 में से 9, 3 आ गए। 96 को नीचे उतार लिया, 3 3 6, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जार 36, 3 कैरी, 6 6 जार 36, 36 प्लस 3 39, 2025, 25 का एक पेयर, 20 का एक पेयर, 4 4 जार 16, 4 आ गया सब्ट्रैक्ट करके, 25 4 4 8, 25 को नीचे उतार लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 8 जार 40, 40 और 2 42, सब्ट्रैक्ट किया तो 0। 1296 का स्क्वायर रूट आ गया 36, 2025 का स्क्वायर रूट आ गया 45। ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, 3 होल 526/625। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6, 6 और 1 7, 3 6 जार 18। तो इसमें ऐड कर देंगे 526 को, 5 और 6 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 7 2, 9 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 5, 13 13 और 1 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 और 1 2। तो ये आ गया 2401/625। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2401/625 इक्वल स्क्वायर रूट 2401/625। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, 2401, 01 का पेयर बन गया, 24 का पेयर बन गया, 4 4 जार 16 जो कि 24 से छोटा है, 5 5 जार 25 जो कि 24 से बड़ा है, तो इसलिए 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जार 16, 24 माइनस 16 8 आ गया, 01 को नीचे उतार लिया, 4 4 8, 8 के साथ 9 लिखेंगे क्योंकि 9 9 जार 81, 81 के लास्ट पे क्या होता है 1, तो 1 इधर भी है, 9 से मल्टीप्लाई करने, 89 को
नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81 81 का 1 और 8 कैरी, 9 8 72 72 और 8 80, ये आ गया 801। अब इसी तरह से 625 का स्केयर रूट फाइंड करेंगे, 25 का पेयर बन गया, 6 का पेयर बन गया, 2 2 4, 6 - 4 2, 25 को नीचे उतार लीजिए, 2 2 4। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, चूँकि 5 5 25 इसके भी लास्ट पे 5 है इसलिए 45 × 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 20, 20 और 2 22 आ गए, ये आ गया 225। तो 2401 का स्केयर रूट आ गया 49, 625 का स्केयर रूट आ गया 25, यही हमने फाइंड करना। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, 3025/4096। स्केयर रूट 3025/4096, स्केयर रूट लैदा लैदा कर दिया, 3025/4096, 3025, 25 का एक पेयर, 30 का एक पेयर, 5 5 25, 25 चूँकि 30 से छोटा है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 जो कि 30 से बड़ा हो जाता है इसलिए 6 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 25, 30 - 25 5 आ गया, 25 को नीचे उतार लिए, 5 और 5 10, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 525। इसके बाद 4096 का स्केयर रूट फाइंड करेंगे, 96 का एक पेयर बन गया, 40 का एक पेयर बन गया, 6 6 36, 40 - 36 4 आ गया, 96 को नीचे उतार लिया, 6 और 6 12, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 4 16 होता है और 16 के लास्ट पे 6 है तो इधर भी 6 है, 4 4 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 2 8 8 और 1 9, 4 1 4, 3025 का स्केयर रूट आ गया 55, 4096 का स्केयर रूट आ गया 64। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, 2 whole 175/225, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 4 और 1 5, 2 2 4, 450 आ गया, इसमें 175 ऐड कर देंगे, 5 5 7 12 2 1 कैरी, 4 1 5 और 6, तो ये आ गया 625, 225 स्केयर रूट 625/225, स्केयर रूट लैदा लैदा कर लेंगे, 625/225 स्केयर रूट। सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट फाइंड करेंगे, 2 5 का पेयर बन गया, 6 का एक पेयर बन गया, 2 2 4, 6 - 4 2 आ गया, 25 को नीचे उतार लिए, 2 2 4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225।
इसी तरह से 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 25 का पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया 1, 1 ज़ार 1, 2 माइनस 1 तो ये आ गया 1, 1 और 1 2, 25 को नीचे उतार लिया, इसके एंड पे 5 है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके एंड पे 5 आए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12, 625 का स्क्वायर रूट आ गया 25 और 225 का स्क्वायर रूट आ गया 15। ये इसको हम लिख सकते हैं ना डिवाइड करके, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 तो ये आ गया 5/3। तो 5/3 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं 5 को 3 पे, 3 1 ज़ार 3 2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें 1/2/3। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10, 324/576 है, स्क्वायर रूट 324/576 है, स्क्वायर रूट 324, स्क्वायर रूट 576 है, 324, 24 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया 1 1 ज़ार 1, 3 माइनस 1 2, 24 नीचे आ गया 1 और 1 2, अब 4 है इसके लास्ट पे, तो 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64 का 4 लिखेंगे, 6 कैरी 8 2 ज़ार 16, 16 और 6 है 22 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 576, 76 एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 76 को नीचे उतार लिया 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 ज़ार 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, 16 और 1 17, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया, 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18, 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, 5625/40,000, स्केयर रूट लेदा लेदा कर दिए, स्केयर रूट अब फाइंड कर लेंगे, 25 का एक पेयर बन गया, 56 का एक पेयर बन गया, 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 माइनस 49 तो ये आ गया 7, 7 7 14, 25 को नीचे उतार लिया, इसको अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 2 7, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, 40,000 का स्क्वायर रूट पेयर पेयर और ये एक पेयर, 2 2 ज़ार 4, तो 2
टू टू ऐड किया तो फोर आ गया, दो ज़ीरो को नीचे उतार लेंगे, इसके साथ ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि डबल ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो, इसके साथ भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो आ गया। फिर ये दो ज़ीरो को नीचे उतार लिए, ये क्या आ गया, फोर्टी प्लस ज़ीरो फोर्टी आएगा। ये दो ज़ीरो हैं तो इसके साथ भी एक ज़ीरो लिखेंगे, इसके साथ भी एक ज़ीरो, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 275/200। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 whole 295/729। 729 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 729 ही आया, इसमें ऐड कर देंगे 295, 9 + 5 तो ये आ गया 14, 14 का 4 1 कैरी, तो 9 11, 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 और तो 9, 9 और 1 10, तो ये आ गया 1024/729 स्क्वायर रूट 1024/729 स्क्वायर रूट लैदा लैदा कर दिया। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, 1024 पेयर बना दिए, 3 3s are 9, 10 - 9 1, 3 3 6, 24 को नीचे उतार लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s are 4, 2 6 12, 729 का स्क्वायर रूट फाइंड कर, 29 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, 2 2s are 4, 7 - 4 तो ये आ गया 3, 2 और 2 4, 29 को नीचे उतार लिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 3 यानी कि ये देखें 43 3 3 3 3s are 9, 3 4s are 12, 129 आया, तो ये है 329, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 4s are 28 28 और 4 32, तो ये आ गया 27, 32/27, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 32 को 27 पे, बत्तीस में से 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 5, इसको लिखेंगे 1 whole 5/27, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।